वीडियो में हम विशेषण के भेद पहचानेंगे। इसके लिए हम विशेषण की परिभाषा, उसके प्रकार उदाहरण सहित देखते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण के अगर उदाहरण देखेंगे तो गोरा, काला, अच्छा, बुरा, सुंदर, मीठा। अभी हम इस तालिका को देखते हैं जो हमें विशेषण और विशेष्य समझाते हैं। गोरा आदमी, आदमी कैसा है? गोरा है, तो आदमी ये विशेष्य हुआ, तो गोरा ये विशेषण हुआ। उसी तरह से काला कौआ, अच्छा काम, बुरा हाल, सुंदर बगीचा, मीठा फल। जिन शब्दों की विशेषता बताई है ये सारे विशेष्य शब्द हैं, तो जिनकी जो विशेषताएं हैं वो विशेषण शब्द हैं। इसी प्रकार विशेषण के दो भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण नाम के तौर पर सिर्फ गुण नहीं तो दोष भी बताएंगे, रूप रंग आकार दशा आदि भी बताएंगे। आप वीडियो को थोड़ा सा एनलार्ज करके देखोगे तो आपको उदाहरण समझ में आएंगे। जैसे कि गुण है ईमानदार, अच्छा, सच्चा, दयालु, बुद्धिमान। दोष है बुरा, झूठा, पापी, कपटी, नीच। तो रंग है काला, नीला, हरा, पीला, सफेद। इसी तरह से आकार और दशा को दर्शाने वाले जो शब्द है वो भी गुणवाचक विशेषण में आएंगे। दूसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। नाम से ही हमें ज्ञात होता है कि संख्यावाचक विशेषण मतलब संख्या बताएंगे। जिस विशेषण से वस्तु की संख्या का पता चले उसे संख्या कहते हैं। इसके भी दो उपभेद है। अगर हमें संख्या निश्चित रूप से मालूम होती है, जैसे कि दो केले, चार लड़के, कक्षा में 30 विद्यार्थी है, तो 30, तो वो निश्चित संख्यावाचक है। लेकिन कभी कभी विशेषण शब्द निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते। जैसे वहां कोई आदमी खड़ा है तो कोई आदमी उसमें कोई यह अनिश्चित संख्यावाचक हुआ। कुछ केले, कोई कई लड़के, कुछ पुस्तकें, कई कहानियां, ये अनिश्चित संख्यावाचक है। गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण पर आधारित आपको अभ्यास दिया जाएगा, वो अभ्यास आपको अभी पूरा करना है। धन्यवाद। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो।